नमस्कार, जियोपॉलिटिक्स यूपीएससी पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हाल के समय में ये देखा जा रहा है कि भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा भारत के नक्सल प्रभावित इलाकों में, खास तौर से छत्तीसगढ़ में, काफी बड़े और सक्सेसफुल ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। अभी हाल ही में खबर आई है कि 10 मार्च को भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा छत्तीसगढ़ के एरिया में 12 नक्सलियों को एक गन बैटल में ढेर कर दिया गया है। इसके अलावा 13 मई को भी ये खबर आई है कि महाराष्ट्र में भी 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा इस साल बड़े स्केल पर नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया गया है और इसमें काफी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। इस साल जनवरी से लेकर के अब तक भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा छत्तीसगढ़ में जो नक्सल विरोधी अभियान चलाए गए हैं उसमें 100 से भी ज्यादा नक्सलवादी मारे गए हैं। तो हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इस वीडियो में डिटेल से कि क्या है जो भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा छत्तीसगढ़ में जो नक्सल विरोधी बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं। तो ये पूरा अभियान अब नक्सलियों के खात्मे की तरफ बढ़ रहा है, क्या नक्सलवाद भारत में अब धीरे धीरे खात्मे की तरफ बढ़ रहा है या अभी भी उसमें कुछ दम है। तो समझते हैं इस टॉपिक को इस वीडियो में डिटेल से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलिएगा। तो देखिए, हाल के समय में भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े नक्सल विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी साल 16 अप्रैल को भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा छत्तीसगढ़ के कांकेर डिस्ट्रिक्ट में एक गन बैटल में 29 नक्सलियों को मार गिराया गया था। ये ज्वाइंट ऑपरेशन भारत के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के द्वारा संचालित किया गया था और साल 2000 में जब छत्तीसगढ़ एक नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ था, तो तब से लेकर के अब तक ये जो ऑपरेशन किया गया है जिसमें 29 नक्सली मारे गए हैं, ये नक्सल विरोधी अभियान में सबसे बड़ा ऑपरेशन है। खास बात इस ऑपरेशन की ये रही है कि इस अभियान में नक्सलियों के बस्तर डिवीजन कमेटी के जो लीडर रहे हैं ललिता और शंकर, इनको भी ढेर कर दिया गया है। और इसमें ये भी बात सामने आई है कि इन नक्सलियों के परतापुर एरिया कमेटी के सभी नक्सलियों का सफाया कर दिया गया है इस इनकाउंटर में। साथ ही साथ 30 अप्रैल को भी छत्तीसगढ़ में बीएसएफ और डीआरजी के द्वारा एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें 10 नक्सलवादी मारे गए थे। इससे पहले इसी साल 3 अप्रैल को डीआरजी, कोबरा यूनिट और सीआरपीएफ की यूनिट के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें 13 नक्सलवादी मारे गए थे। साथ ही साथ इस ऑपरेशन से एक सप्ताह पहले 27 मार्च को डीआरजी, सीआरपीएफ और कोबरा यूनिट के ज्वाइंट टीम के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें 6 नक्सलवादी और मारे गए थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जनवरी से लेकर के अप्रैल के बीच में इस साल बड़े अभियान चलाए गए हैं और जिसमें बहुत बड़ी सफलता भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। इस साल जनवरी से लेकर के अप्रैल के बीच में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन 4 महीनों में रिकॉर्ड 91 नक्सलवादियों को ढेर कर दिया है, जिसमें नक्सलियों के टॉप कमांडर्स भी शामिल रहे हैं। साथ ही साथ इस पूरे साल में अभी तक देखे, यानी जनवरी से लेकर के मई तक, तो अभी तक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा केवल छत्तीसगढ़ में ही 100 से अधिक नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। तो इस साल नक्सल विरोधी अभियान ने बहुत तेजी पकड़ा है, क्योंकि यदि हम इसको पिछले साल से तुलना करें साल 2023 से, तो पूरे साल 2023 में केवल 23 नक्सली ही मारे गए थे। तो ये जो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ये जो बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं, उसके पीछे कारण ये है कि छत्तीसगढ़ अभी भी नक्सलियों का एक बड़ा केंद्र बना हुआ है। क्योंकि पिछले एक दशक में देखा जाए तो भारत के अन्य राज्यों में जो कि नक्सलवाद से प्रभावित रहे हैं, वहां पे नक्सली घटनाओं में बहुत कमी दर्ज की गई है। हालांकि छत्तीसगढ़ में भी नक्सली घटनाओं में कमी दर्ज हुई है, लेकिन अभी भी यहाँ पे कई जिले हैं जहाँ पे नक्सलियों की उपस्थिति है जो भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर और कांकेर कुछ ऐसे जिले हैं जो नक्सलवादियों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हैं और ये सारे ऑपरेशंस इन्हीं इलाकों में किए जा रहे हैं। हालांकि पिछले एक दशक में इन सभी इलाकों में माओवादी घटनाओं में कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन एक दशक पहले यहाँ पे ऐसा समय नहीं था। साल 2010 में इसी छत्तीसगढ़ में इन्हीं नक्सलियों के द्वारा हमारे सीआरपीएफ जवानों के ऊपर एक बड़ा हमला किया गया था जिसमें हमारे 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। इसके अलावा 2013 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी हमला किया गया था, जिसमें 2013 में छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व की इन नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। लेकिन उसके बाद से देखा गया है कि यहाँ की राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के इस पूरे एरिया में सिक्योरिटी को बढ़ाने का प्रयास किया है, जहाँ पे राज्य सरकार ने इन सभी नक्सल प्रभावित जिलों में अपने पुलिस बल को बढ़ाया है, बड़े स्केल पर यहाँ पे पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो वहीं केंद्र सरकार की तरफ से भी सीआरपीएफ की स्पेशल बटालियन को इन सभी क्षेत्रों में लगाया गया है। इन नक्सल प्रभावित जिलों में सिक्योरिटी को बढ़ाने के साथ साथ यहाँ पे विकास के कामों को भी गति दी गई है।
खास तौर से रोड कनेक्टिविटी को लेकर के इस पूरे एरिया में काफी ज्यादा काम हुआ है, क्योंकि ये जो छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, ये जो जिले हैं, इनमें काफी घने जंगल हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां भी हैं, तो यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के मोबिलाइजेशन के लिए कई नई सड़क परियोजनाओं का भी सफलतापूर्वक क्रियान्वयन यहाँ हुआ है। इस पूरे एरिया में विकास की गति को बढ़ाया जा रहा है, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस के मोबिलाइजेशन में कोई दिक्कत न हो। और इसलिए देखा गया कि बेहतर सड़क संपर्क होने से जो राज्य की पुलिस इकाई है, जो अर्धसैनिक बल है, उन्होंने माओवादियों के गढ़ में अपने शिविर को खोलने में कामयाबी पाई है। उदाहरण के लिए दिसंबर 2023 से लेकर के अप्रैल 2024 के बीच में सीआरपीएफ ने सुकमा और बीजापुर के क्षेत्र में 20 नए शिविर खोले हैं, जबकि बीएसएफ ने कांकेर जिले में 3 नए शिविर खोले हैं। साथ ही साथ इसी साल फरवरी में हमारे सुरक्षा बलों ने खूंखार माओवादी कमांडर हिडमा के गढ़ में, जो कि सुकमा जिले में पुअर्ती गांव है, वहां पर पुलिस कैंप को स्थापित करने में सफलता हासिल की है। इसके अलावा कांकेर और नारायणपुर में 2 नए शिविर स्थापित किए गए हैं हमारे सुरक्षा बलों के द्वारा, और जो सड़क मार्ग बना है और उनकी वजह से जो हमारे सुरक्षा बलों ने इन सभी माओवादी ग्रसित इलाकों में जो नए कैंप खोले हैं, जो नए शिविर खोले हैं, इन्हीं की वजह से माओवादियों पर नकेल कसने में मदद मिली है। फिलहाल के समय में ये जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि इन्हीं सब सड़कों और शिविरों की मदद से नक्सलियों के अगेंस्ट इन ऑपरेशंस को अच्छे से अंजाम दिया जा रहा है। तो ये जो नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास के कार्य किए जा रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस का जिस तरीके से इन इलाकों में दबदबा बढ़ रहा है, तो उन्हीं का परिणाम है कि साल 2018 से लेकर के 2024 के बीच में कुल लगभग 465 माओवादियों ने सुरक्षा बलों के सामने घुटने टेक दिए हैं, यानी आत्मसमर्पण भी किए हैं। लेकिन इसी अवधि में, यानी साल 2018 से लेकर के 2024 के बीच में, ये भी देखने को मिला है कि इन विद्रोहियों से लोहा लेते हुए हमारे 206 सुरक्षा बलों ने अपनी जान भी गंवाई है। लेकिन धीरे धीरे ये देखा जा रहा है कि इस पूरे एरिया में सुरक्षा की स्थिति बढ़ी है, नक्सलवाद की हिंसक घटनाओं में काफी कमी दर्ज की गई है, जिस वजह से इस पूरे एरिया में जो भारतीय नागरिक रह रहे हैं, उनके भी हताहत होने की संख्या में काफी कमी दर्ज की गई है। तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और भारत के अन्य नक्सल प्रभावित राज्यों में विकास के काम किए जा रहे हैं, वहाँ पे सड़कों को डेवलप किया जा रहा है, लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उससे इन नक्सलियों की पकड़ उन क्षेत्रों पर कमजोर हुई है। और जिस तरीके से भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा इन नक्सलियों के अगेंस्ट सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, उससे ये दिन दूर नहीं है कि जब भारत के ये सभी इलाके नक्सल मुक्त घोषित किए जाएंगे। लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़ के 58 जिलों में से 15 जिले इन नक्सलवादियों से प्रभावित हैं, और इन जिलों में विकास की रफ्तार बढ़ने के बावजूद, रोड नेटवर्क बढ़ने के बावजूद, यहाँ पे माओवादी घात लगाकर हमला कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। और ऐसा हुआ था कुछ समय पहले 26 अप्रैल साल 2023 में, यानी पिछले साल ही, जिसमें माओवादियों के द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि सड़क संपर्क और सुरक्षा तैयारियों में उल्लेखनीय सुधार के बावजूद विद्रोही, ये नक्सली, इतने बड़े हमले कर पाने में अभी भी कामयाब हो पा रहे हैं, तो ये अभी भी एक चिंता का विषय है। यहाँ पर आपको मैं नक्सलिज्म के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। तो ये जो नक्सलवाद है, जिसे नक्सली माओवादी विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है, तो ये भारत में एक वामपंथी चरमपंथी आंदोलन है, जो सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत सरकार को उखाड़ फेंकना और एक कम्युनिस्ट राज्य स्थापित करना चाहता है। इस आंदोलन का नाम भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव के नाम पर रखा गया है, जहां इसकी शुरुआत 1967 में चारू मजूमदार और कानू सान्याल के नेतृत्व में किसान विद्रोह के रूप में हुई थी। नक्सलवाद की जड़ें, इनकी जो विचारधारा है, वो मार्क्सवादी और लेनिनवादी विचारधारा है, और इनका फोकस एग्रीगेरियन रिवोल्यूशन, क्लास स्ट्रगल और एंटी इंपीरियलिज्म के विरोध पर है। भारत में शुरू में नक्सलवाद पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में उभरा, लेकिन तब से लेकर अब तक यह छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र सहित मध्य और पूर्वी भारत के कई राज्यों में फैला। इन क्षेत्रों को सामूहिक रूप से रेड कॉरिडोर भी कहा जाता है। नक्सलवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा करते हैं। इनके विद्रोह के कारण कई लोगों की जान चली गई, आबादी का विस्थापन हुआ, शासन और विकास गतिविधियों में व्यवधान आया, सुरक्षा व्यय से जुड़ी आर्थिक लागत और उत्पादकता में कमी आई है। तो ओवरऑल भारत में नक्सलियों का जहां भी प्रभाव है, तो वहां पर ये वहां की विकास में बाधा बने हुए हैं। तो ये जो भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा इन नक्सलियों के अगेंस्ट जो बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है, और इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस इस एरिया में लंबे समय तक ये सुनिश्चित करें कि इस एरिया में फिर से लाल आतंकवाद कभी पनपने न पाए और ये भारत की इंटरनल सिक्योरिटी और भारत के विकास में बाधा न बनने पाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा नक्सलवादियों के अगेंस्ट ये जो ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे नक्सलवादियों को ढेर किया जा रहा है, इसके ऊपर आपका क्या विचार है कमेंट करके बताइएगा। और जाने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।